झूल जगदम्बे मैया की, राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान श्री खारदेव बाबा श्री गुरु साहेब बाबा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो समिति की ओर से बहुत ही बढ़िया निर्देश। महाभारत का दौर चल रहा है और समिति का निर्देश कि गाया हुआ प्रसंग कोई भी मंडल नहीं गाएगा, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक मनपसंद रचना वीर रस पर आधारित और हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया विशाल भैया भी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय हमारे सरपंच महोदय आप भी उपस्थित हैं और आदरणीय हमारे संतोष भैया नायक जी भी यहाँ पर उपस्थित है। ये महान हस्तियाँ सद्दूलाल जी चौहान आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है और 51 रुपए में 31 रुपए सुंदरलाल जी लविस्कर और 21 रुपए रजनी लविस्कर आपकी ओर से मंडल को इनायत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो ज्यादा ना कहते हुए विशाल भैया और हमारे सरपंच महोदय और संतोष भैया आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि तपता हुआ सूरज भी रोशनी दे आप सबको, क्या बात, तपता हुआ सूरज भी रोशनी दे आप सबको और खिलता हुआ फूल भी खुशबू दे आप सबको। हम यही दुआ करते हैं कि खारदेव बाबा 100 साल की जिंदगी दे आप सबको। और कहना चाहूंगा कि जो है सबके लायक, जो है सबके लायक, ऐसे हैं हमारे संतोष नायक। और जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका हृदय विशाल है, ऐसे हैं हमारे भैया विशाल। जिनका हृदय विशाल, ऐसे हैं भैया हमारे विशाल। तो आप वीर रस की कथा सुने, बात उस समय की है, एक वर्ष अज्ञात वास के दौरान पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक छत्रा नगरी में निवास स्थान बनाकर एक ब्राह्मण के यहां पर रहते थे। जब अज्ञात वास पूरा होता है बकासुर का वध करने के बाद पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक चक्रा नगरी को छोड़कर चले जाते हैं और जैसे ही काम्यक वन में पहुंचते हैं वैसे ही असुरराज किरमीर वहां पर खड़े हो जाते हैं रास्ता रोककर। वो पांचों पांडवों को ललकारते हैं, खासकर भीमसेन को ललकार कर कहने लगा कि भीम, जो मेरा मित्र था, भाई भी था, बकासुर उसका वध तुमने किया, आज मैं उसका बदला लूंगा। तो देखिए किस तरह से
असुरराज किरमीर पेड़ पत्थरों की बारिश करता है और भीमसेन उनका सामना करते हैं और किस तरह से वध करते हैं, यही कथा आप सुनेंगे। सज्जनों, खासकर एक विशेष बात, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये शेरों के बीच में नहीं हुआ था, न लड़ाइयों के बीच हुआ था, है ना? आप सभी जानते हैं, न बिल्ली के बीच में हुआ था, बिल्ली थे, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी और एक वीर से दूसरा वीर लड़ता था। तो कहना है, जब असुरराज किरमीर ने भीमसेन को ललकारा तो भीमसेन कहने लगे कि दुष्ट, मुझे मात खाने की आदत नहीं। कहा कि मुझे मात खाने की आदत नहीं और पीठ पे वार करने की आदत नहीं। जब भी मैंने मारा है दुश्मनों को ललकार के मारा है, मुझे दोस्ती बनाने की आदत नहीं। क्योंकि महाभारत की लड़ाई खेल नहीं है बच्चों का। अरे कट जाता है सर अच्छे बच्चों का। तो कहना है कि तुम में हिम्मत हो तो मुझसे तकरार कर लो, वरना मैं तो कहता हूं कि यहां से खिसक लो। कहना है कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता और तीतर कभी बटेर नहीं बन सकता और कितना ही दम लगा ले आखिर कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। समय को देखते हुए भीमसेन क्या कह रहे हैं, हो कथा को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास है और एक एक शब्द आपको समझ में आएगी। भीमसेन कहने लगे, हो जंग लड़ने की तुझको है चुलबुली, किरमिर अगर तू चाहता है तो आजा, अभी निर्णय हो जाएगा किसमें कितनी औकात है। क्या कहा, हो जंग लड़ने की तेरी है चुलबुली, अरे आके रण में मिटा ले तू खुजली। क्योंकि अरे कौन माता का लाला पैदा नहीं कौन माता का लाला पैदा नहीं कौन माता का लाला पैदा नहीं कौन माता का लाला पैदा नहीं। जंग लड़ने की तेरी है चुलबुली, रण में मिटाले तू खुजली, आके रण में मिटाले तू खुजली, आके रण में मिटाले तू खुजली। कौन माता का लाला पैदा नहीं पैदा नहीं कौन माता का लाला पैदा नहीं पैदा नहीं कौन माता का लाला पैदा नहीं। भीमसेन कह रहे कि कर्मी
गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते और जो बरसते हैं वो गर्जा नहीं करते। आ जाओ मैं तुम्हें देख लेता हूँ। क्या कहा? हो आज हाथों से मारा जाएगा, नहीं जीवित यहाँ से जाएगा। भजंग 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 लड़ने की तेरी है चुनबुली, अज रण में मिटाले तू खुजली। कौन माता का लाला पैदा नहीं, से कहा तो जवाब देते हैं किरमिर कहने लगे क्या कि भीमसेन हर एक को बुलंदी का सितारा नहीं मिलता और अपनी मौत का किसी को नजारा नहीं मिलता। तमाम कैद की रिहाई मुकम्मल है मगर माँ के दूध से यूं ही छुटकारा नहीं मिलता। तो भीमसेन कहने लगे क्या हो आंधियों और तूफानों जैसे वार मेरा सनासन चलेगा। हो आंधियों और तूफानों जैसे वार मेरा सनासन चलेगा। क्या कहा? अरे आज मैदान में तुम देख लेना कुंती नंदन का डंका बजेगा। आज मैदान में तुम देख लेना कुंती नंदन का डंका बजेगा। आज मैदान में तुम देख लेना, आज मैदान में तुम देख लेना कुंती नंदन का डंका बजेगा। आंधी और तूफानों जैसे वीर मेरा सनातन चलेगा। आज मैदान में तुम देख लेना। कहा? हो आज मैदान में तुम देख लेना कुंती नंदन का डंका बजेगा। आज मैदान में तुम देख लेना कुंती नंदन का डंका बजेगा। आज मैदान में तुम देख लेना। कुंती नंदन का डंका बजेगा, बजेगा कुंती नंदन का डंका बजेगा। नंदन का डंका बजेगा, बजेगा कुंती नंदन का डंका बजेगा। दोनों के बीच में संग्राम छिड़ जाता है। भीमसेन सामना करते हैं और आकाश मार्ग से पेड़ पत्थर की बारिश किरमिर करते रहता है। भीमसेन उनका वध करते हैं और क्या कह रहे हैं? हेलो नादान तूने काल को क्या कहा? नादान तूने काल को अरे खुद ही बुला लिया। अरे तूने काल को क्या किया? क्या किया? कहा कि शहर के नलों की टक्कर में देहात का एक तालाब काफी है। क्या बात? शहर के नलों की टक्कर में देहात का एक तालाब काफी है। हाँ भैया। अरे मर्द की आबरू के लिए मूंछ का एक बाल काफी है। क्या कहना है? क्या? अरे सोते हुए ये सिंह को काल रूपी सिंह
अरे सोते हुए ये सिंह को अरे पल में जगा लिया, खेले नहीं निशान जाने मुझे भीमसेन लात और घूसों का प्रहार करके असुरराज किरमेर का वध करते हैं। वध करते हुए क्या कह रहे हैं? ये बात की ये बात है, कर ले दो दो हाथ है, बात की ये बात है, कर ले दो दो हाथ है, क्योंकि अरे आज मेरा काल आ गया, ये कुंती का लाल आ गया, बात की ये बात है, कर ले दो दो हाथ है, वो बात की ये बात है, कर ले दो दो हाथ है, आज तेरा काल आ गया। हेलो, ये कुंती का लाल आ गया, और कहना है क्या? अरे हाथों से वो तो गया मारा, कौन? असुरराज किरमेर। अरे हाथों से वो तो गया मारा, विधि ने ऐसा लिख डाला, हाथों से वो तो गया मारा, विधि ने ऐसा लिख डाला, क्या हुआ? अरे हाथों से वो तो गया मारा, विधि ने ऐसा लिख डाला, अरे लातों से मारा, घूसों से मारा, लातों से मारा, घूसों से मारा, लातों से मारा, घुसों से मारा, लातों से मारा, घुसों से मारा, लातों से मारा, घुसों से मारा, वो तो गया है बेचारा, विधि ने ऐसा लिख डाला, लातों से मारा, विधि ने ऐसा लिख डाला, लातों से वो तो गया मारा, विधि ने ऐसा लिख डाला। ये 201 रुपए की राशि परमादरणीय श्री कमलेश जी काजले एवं काजले परिवार रामापुरा वाले की ओर से 201 रुपए की राशि आई है, और 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री प्रेमलाल जी परते सारणी वाले आपकी ओर से, 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री राम कहार जी द्वारा, और ये 101 रुपए की राशि परमादरणीय श्री दलीप सिंह जी ध्रुवे सरपंच महोदय,
और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे संतोष जी नायक साहब उप सरपंच महोदय आपकी ओर से, और परम आदरणीय हमारे धनलाल जी यादव सहायक सचिव ग्राम पंचायत ढोडरामऊ आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि कुल मिलाकर आपकी ओर से, हमारे आदरणीय सचिव महोदय जी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि आई है, और 11 रुपए की राशि अमित जी आर्य चिचोली वाले आपकी ओर से मिठाई वाले, और 11 रुपए की राशि राहुल पानकर चिचोली वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, कहना है असुरराज किरमिर को जब लाद होकर